दोस्तों नमस्कार, आप सबका मैं डीपी शर्मा एक बार पुनः इस प्यारे से मंच पर स्वागत करता हूं। और आज एक बड़ी ही शानदार लहर उठ रही है पटवारी भर्ती को लेकर। पिछले 2 साल से लगातार विद्यार्थी जिसका इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार आज इस भर्ती का खत्म हो चुका है। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी जो है जश्न मना रहे हैं, बहुत संस्थान भी जश्न मना रहे हैं, लेकिन आप सबको बता दूं, 2-4 बातें जानने की खास बात यह है। जैसे कि टाइटल वायरल है बहुत ज्यादा कि सीटी के दायरे से बाहर, और कुछ का मानना है, कुछ बोल रहे हैं सीटी के दायरे के अंदर, लेकिन 90% ये माना जा रहा है कि सीटी से बाहर रहेगी। ऐसे अंधविश्वास में आप न रहे, ऐसा द्वंद न फैलाएं। आपको बता देता हूं क्लियर क्या है। वर्तमान में ये जो आपके पास नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जैसा कि आप इसमें डेट भी दे सकते हैं मित्रों, पिछले साल की भर्ती है, इसकी चर्चा पिछले साल से लगातार चलती आ रही है, और आपके सामने देख सकते हो इसकी अभ्यर्थना जो है 23/5/2024 को जा चुकी है, लेकिन आज इसका भू राजस्व विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और भू राजस्व विभाग ही इस भर्ती को करवाती है, पटवारी की भर्ती है। अब बात यह है कि सीटी के दायरे में है या नहीं, विभाग ने अभी सीटी से संबंधित कोई भी बात और चर्चा नहीं की है। इसके 2 रीजन हमें लग रहे हैं। कुछ अधिकारियों का कहना है, मेरे भी राजस्व विभाग के अधिकारियों से इस स्तर पर बात हुई है, जैसा सुना जा रहा है, बताया ऐसा जा रहा है कि यदि पेपर ये पहले हो जाता है सीटी से, तो फिर इसको सीटी के दायरे में नहीं रखा जाएगा। यदि इस भर्ती से पहले, पटवारी से पहले सीटी का पेपर हो जाता है तो फिर इसको सीटी के दायरे में रखा जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि इसको सीटी के दायरे में अभी वर्तमान में किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं बताया गया है। हाँ, एक और बड़ी बात कि राजस्थान में पीछे जो भी पेपर हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर था या जो भी हुआ, वो सारे के सारे पुराने जिलों के आधार पर सब कुछ हो रहा था, सिलेबस जारी नहीं किया गया है। लेकिन इस बार जितने भी पद जारी किए गए हैं सारे नवीनतम जिलों के आधार पर किए गए हैं। अब आप इस बात को सुनिए, देखो क्या किया जा रहा है। पटवारी पद की नवीन भर्ती हेतु अर्थना भिजवाने के बाबत ये नोटिफिकेशन आप सबके सामने है, और 1663 पदों के ऊपर रिक्त पद बताए जा रहे हैं, उसके ऊपर ये भर्ती होने जा रही है। आप देख सकते हैं, हाँ 1963 है, माफी चाहूंगा, मैं 1300 बोल गया, माफी चाहूंगा, मेरे शब्द वापस लेता हूं, 1963। आप देखिए महोदय जी को यहां पर बताया जा रहा है कि 2024-25 के क्रम में राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए 1963 पदों पर प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, और आप यहां देख सकते हैं मंडल के द्वारा जो पद है उनका विवरण भी आपके सामने है। आप देख सकते हैं पूरी कैटेगरी वाइज कार्य होगा, और जितना जिसको रिजर्वेशन होता है उसके हिसाब से पूरा पूरा इसमें है। ईडब्ल्यूएस को 10% और एससी को 16, एसटी को 12 और ओबीसी को 21 और एमबीसी को 5%, और कुल आपके सामने 100 ऐसे हो ही जाएगा। बहुत डिटेल से बातचीत नहीं की गई है, और आप यहां सर्टिफाई इसको किया हुआ है, पूरी बात सामने। अब आप देख सकते हो जिलेवार भी सब कुछ समझाया गया है। पटवारी पद 2000 के गैर अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात, टीएसपी नॉन टीएसपी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है, जरूरी है, हमेशा ही होता है। आप देख सकते हैं अपने अपने जिले के अनुसार, अजमेर, अलवर, अनूपगढ़, ये अल्फाबेटिक तरीके से सेट किया गया, बालोतरा, बारा, ब्यावर, आप नवीनतम जिलों का क्रम अल्फाबेटिक बीच में देख पा रहे हो, और यहां पर आप देख रहे हो क्रम आपके सामने है, कुल स्वीकृत पदों की संख्या है, कार्यरत पदों की संख्या है, रिक्त पदों की संख्या है, और आप पढ़ सकते हैं पदों की संख्या जिस पर भर्ती निकाली जानी है, अनुपातिक रूप से बांटा गया है रिक्त पदों की संख्या फलाना फलाना माध्यम से आपके सामने है। तो आप यहां देख सकते हैं कुल स्वीकृत पदों की संख्या यहां पर आपको बताई गई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख रहे हो अजमेर, अलवर, अनूपगढ़, बालोतरा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भिलवाड़ा, और आप इस प्रकार से ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में हम प्रोवाइड करवा देंगे। बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़, चूरू, दौसा, डीडवाना, कुचामन, डीग, धौलपुर, दुद्दू, श्रीगंगानगर, गंगापुर सिटी, हनुमानगढ़, जयपुर दोनों ग्रामीण और शहरी, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू और जोधपुर शहर और ग्रामीण, ये तो आपके हैं जो टीएसपी नॉन टीएसपी के दोनों का था। आगे और भी इसमें है, आप देखिए करौली, केकड़ी, खेरथल, तिजारा, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, नागौर, नीम का थाना, पाली, फलोदी, राजसमंद, सांचौर, स्वाई, माधोपुर, शाहपुरा, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, और कुल आपके सामने 11201 पद इस प्रकार से बता दिए, और ऊपर आपने क्रम देखा था कौन से रिक्त पद है, किसकी स्वीकृति है, दोनों बातें यहां पर होगी। लेकिन अब यहां पर अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहा है, टीएसपी एरिया के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है, तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, कुछ जिले ऐसे हैं जो दोनों के अंदर आते हैं, चित्तौड़गढ़ जैसे आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने पद टोटल दिखा दिए, और जिस पर भर्ती होनी है सबसे इंपॉर्टेंट खास बात यह है
जिस पर भर्ती आपकी होनी है वो आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे हो 1900 टोटल 63 पद है। कार्यरत कितने हैं उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। अच्छा, अफवाहों से बचे दोस्तों, हमेशा से ही हमारे सोशल मीडिया इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ने हमेशा जेन्युइन जानकारी दी है, मैं आपको भ्रमित नहीं करूंगा। बहुत सारे अभी मैंने वीडियोस देखे, बच्चे लिंक भेज रहे हैं कि सर लोग सिलेबस तक बता रहे हैं। जब भी पटवारी की भर्ती आई है सिलेबस में हमेशा एक विषय संशोधन जरूर हुआ है, पटवारी प्री और मेन भी ऐसा भी खेला हुआ है, और पटवारी सीधी भर्ती भी हुई है, एक पेपर के माध्यम से पटवारी की भर्ती भी हुई है। तो इसके अंदर हमेशा ही पटवारी के सेगमेंट में एक विशेष संशोधन किया जाता है। तो सिलेबस का जो विषय है बहुत आगे का विषय है, सिलेबस के ऊपर कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। तो आप इस तरह से निश्चित रहें कि यह है कि पटवारी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी थे तो वो आप कमान कस लीजिए और लगातार लगे रहिए। राजस्व विभाग की भर्ती है, काफी टाइम के बाद में आ रही है, तो अच्छा कुछ ना कुछ देकर जाएगी। सिर्फ ये जो भर्ती आज इसका नोटिफिकेशन जो आया है, सिर्फ तो सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए आया है। सिलेबस किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हिंदी आती है सबको पता है, राजस्थान जी की आती है सारी दुनिया जानती है, मैथमेटिक्स आती है सारी दुनिया जानती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेबस वही होता है, ऑलमोस्ट 10-20% संशोधन होता है, पेपर के सेगमेंट में थोड़ा चेंजिंग आती है, इसलिए फालतू समय आप